नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकासिते चिस्वभावाय भावाय सर्विभावा बंदितु सर्वसिद्धे ब्रह्मचर्मणोगमंगदिंपत्ते सोच्छामि समय पाहु मेमो सुख के तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञानिका शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग समान के नमः श्री वर्धमाना निर्धूत कलिलात्मने सालोकाना त्रिलोकाना यद विद्यादर्पणानिके जो मोह माया मान मत सत मदन मर्द जी रहे जो विपुल विघ्न बीच में भी ध्यान धारण ले जो तरणता रण भवानी वारण भव जल दिखे स्वामी की भगवान महावीर के मोक्ष कल्याण महोत्सव की भगवान महावीर स्वामी चरम साध्य दशा को आज प्राप्त हुई। ये पंच कल्याणक में अंतिम कल्याण है। शासन नायक भगवान महावीर का अपन को मनाने मिला, मानो वो अपन सबको लेने आए। सब आप मुक्ति को पधार, संसार में भटकते हुए जीव को शोभा नहीं देती, इसलिए ये बहुत महान कल्याणक है जो हम सबको मुक्ति का संदेशा देता है। यानी शरीर का मिलना एक कार्टून जैसा, जैसे कोई जेल में पड़ा हो कैदी है तो बोला उस सेठ को कैद में रहना शोभा देता है नहीं देता है। तो कोई अपराध हुआ है तो जेल पहुंच गया है, परंतु वो है जीव और अपने जीवत्व को भूल गया है, उसका फल है चतुर। तो आज अपन को अच्छी अच्छी बातें सोचना है कि हमारी माँ भी पवित्र दशा को प्राप्त किया, जिन्होंने कुदरत इतने बड़े तीर्थंकर को भी माफ नहीं, उन्हें भी गर्भ में आना पड़ा, उनको भी जन्म लेना पड़ा। आज का दिवस ये याद दिलाता है कि जो जो कुछ अपना नहीं है वो सब छूट जाए और जो अपना है वो अपने साथ जाते। तुम्हारी भगवान का निर्वाण हुआ तो कहाँ गया समोसा, छूट गया। क्यों छूट गया? क्योंकि अपना नहीं। दिव्य ध्वनि कहाँ गई? छूट गई। क्यों छूट गई? वाणी अपनी नहीं। परमाधारिक शरीर कहाँ गया? छूट गया। क्यों छूट गया? अपना नहीं। गुणस्थान चौदमा छूट गया। क्यों छूट गया? वो भी अपना नहीं। तो अपना क्या है? क्या है? इसके लिए महावीर स्वामी मिले। तो एक अपने आत्मा के अलावा इस विश्व में कुछ भी अपना नहीं। चिर रक्षक धर्म हमारा है, ये धर्म हमारा चिर सा, जग में न हमारा कोई था और हम भी न रहे, हम आत्मा हैं, आत्मा थे और आत्मा हैं। ये सीख देने के लिए मानो ये पंचकल्याणक का
अंतिम कल्याणक अपन सबको महाभाग से मिल, महाभाग समझो कि अपन जैन कुल में जाए, यानी ये बाजार की इतनी भीड़ देखकर अपने को गर्व होता है कि अपन कितनी अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है, जहाँ ये मिट्टी के दीपक नहीं लेना पड़े, जहाँ में नींबू मिर्ची नहीं खरीदना पड़ती, जहाँ में रात में दीपक नहीं जलाना पड़ता, जहाँ में फटाका नहीं फोड़ना पड़ता। किसी कुल में जन्म ले लिया, कितने जीव दुखी हैं, कैसे बाजार लगे हुए हैं, एक को भी नहीं मालूम कि निर्वाह पर हुए, सबको यही मालूम है कि लक्ष्मी आना चाहिए घर में और घर सजना चाहिए, दीपक जलना चाहिए, फटाका फोड़ना चाहिए। उसे ये नहीं लगता कि अभी मर के हमारा फटाका फूटेगा, हम कहाँ चले जाए। दूसरे जीवों को दुखी करके और तुम सुखी होना चाहते हो, तो ये मर्ग पर और ये जैन कुल कितना महान अपन सबको मिला कि अपने जन्म जात विद्या सिखाई जाती। अभी पूजन की जितनी भी अपन ने दो पूजन, उसमें एक एक पद में मोक्ष को याद किया जाए। ओम ह्रीम श्री देव सास गुरुभ्यो, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जन्म निरपाम, भवाताप विनाशनाय जन्म निरपाम। हर पद पर ये मुक्ति की अभिलाषा, हमें मोक्ष चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, हमें छूटना, यानी हमें कोई तस्कर बंद या कोई नक्सली आतंकवादी पकड़ के ले गया हो, आंखों पर काली पट्टी लग दी हो, एक विकल्प उठता है कैसे छूट, कैसे छूट, कैसे छूट। ऐसे जिस जीव को जिनेन्द्र देव के कुल में जन्म मिला, उसे एक ही प्रश्न बनना चाहिए, इस पर्याय में आत्मित कैसे करे, भव ब्रह्मांड से कैसे छूट। अब अच्छा नहीं लगता इस संसार में जन्मना मरना, यहाँ कोई अपना नहीं है जो अपना साथ दे सके, यहाँ कोई अपना नहीं है जो हमें आत्मा कह सके। हमारे भगवान ही हमें आत्मा कहते हैं, वो ही हमें छुड़ाने की बात करते हैं, इसलिए अपन सवेरे सवेरे सबसे पहले भगवान की मुद्रा देखते हैं कि प्रभु आप एक उपकारी दिखते हो जो छुड़ाने की बात कर। आत्मा कहने वाला विश्व कौन है, भगवान कर। अब चहूं गति में नाही रुलेंगे चिदानंद पाने करेंगे, अब चहूं गति में चिदानंद पाने करेंगे, अब विषयों में नाही रमेंगे चिदानंद पाने करें। ऐसा लक्ष्य अब उपाय बताते हैं, मैं नहीं तने का तन नहीं मेरा, ज्ञायक भाव में मेरा बसेरा, ज्ञायक भाव मेरा बसेरा, ओ अब भेद विज्ञाने करेंगे चिदानंद पाने करे, क्या करेंगे, अब भेद विज्ञाने करेंगे चिदानंद पाने करे। कौन करेगा भेद विज्ञान, जिसे विषयों का स्मरण आने पर जहर याद आता हो लगता, विषयों का रस विषय का प्याला चेतन का आनंद निराला, चेतन Whoa!
अवज्ञाने में चिदानंद पाने करे। कैसे करोगी? ज्ञान में ज्ञान क्या दिखाना चाहे? ये दिखाना चाहते हैं एक तीर्थंकर जैसे व्यक्तित्व को गर्भ में आना पड़ा। बाहर रत्नों की वर्षा हो रही और भीतर वे ऑक्सीजन भी नहीं है, पैर फैलाने की व्यवस्था भी नहीं, या कोई पूछने वाला नहीं, मम्मी का जूठा भोजन कर रहा, ऐसा इतना बड़ा व्यक्तित्व और इस तरह से संसार में परिवर्तन, अब उन्हें कैसी दुख मिटती होंगी? वो तो गर्भ में भी सुखी, क्योंकि वो अपने को शरीर से नहीं ना, अपने को आत्मा देखते, तो वहां वो अपने को बालक ना देखने से, जीव देखने से वहां भी सुखी। अवज्ञाने में ज्ञाने लखेंगे चिदानंद पाने करे। एक वर्ष 13 दिन तक, एक वर्ष 1 महीने 9 दिन या 13 दिन तक आदिनाथ को आहार दिया। दुखी होंगे कि सुखी होंगे? सुखी थे। क्यों सुखी थे? क्योंकि मुझे आहार नहीं मिल रहा है कि शरीर को आहार नहीं मिल रहा, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो ज्ञान स्वभाव ही हूं, ज्ञान स्वभाव आहार करता था। बस ज्ञाने में ज्ञाने लखेंगे चिदानंद पाने करेंगे। अब चहूं गति में नाही रुलेंगे चिदानंद पाने करेंगे। आग लगाएंगे कौन उदय? क्योंकि तुमने भी कभी आग लगाने का व्यवसाय किया होगा तो उसका उदय आएगा। अब क्या होगा कि आग लगेगी सिर में, एक उंगली जल जाती तो मन नहीं लगता और सिर फटेगा, और वो कह रहे कि मेरा नहीं फटेगा क्योंकि मेरा सिर नहीं होता। अब ज्ञाने में ज्ञाने लखेंगे चिदानंद पाने करे। गजकुमार मुनिराज दुखी हुए थे कि सुखी हुए? सुखी थे। सुखी व्यक्ति भगवान बनता है सुख भोगते भोगते। तो जिस समय सिर में आग लगी होगी उस समय वे सिर को देख रहे थे कि आत्मा को देख रहे? पारसनाथ के ऊपर पत्थर पटक रहे थे, कौन कौन? करम कमठ नहीं, कमठ तो अपने ऊपर पटक रहा था। पारसनाथ के ऊपर पत्थर कौन पटक रहा था? तो पारसनाथ के ऊपर पटक रहा था कि शरीर के ऊपर पटक रहा? शरीर के ऊपर। तो वो क्या करते थे? अवज्ञाने में ज्ञाने लखेंगे चिदानंद पाने करेंगे। अब विषयों में नाही रमेंगे चिदानंद पाने करेंगे। जिस समय आराधक जीव यहाँ से स्वर्ग जाता है तो स्वर्ग जाकर सुखी होता है कि दुखी होता है? जी हाँ, मम्मी से पूछ के बता। स्वर्ग जाने से सुख होता है कि दुख होता है? हाँ, नरक जाने से दुख होता है कि सुख होता है? स्वर्ग में दुख है कि सुख है? जिसे अपना आत्मा में आत्मा दिखता है, ज्ञान में ज्ञान दिखता है, वो कहीं भी रहे सुखी रहे। और जिसे आत्मा में देह दिखता है, जो देह में आत्मा दिखता है, उसे कौन सुखी कर पाए? अब चहूं गति में नाही रुलेंगे चिदानंद पाने करे। आज का दिन कितना मंगल दिवस है, महावीर स्वामी ने प्रयोग करके दिखा दिया। देखो ये देह पड़ा, इसे अग्नि कुमार देव जला के राख करें, इसे क्षीर सागर में डालें, परंतु मेरा शरीर नहीं था, छूट गया मुझे कोई गम। कोई सेठ जेल से निकल के आए तो जेल से निकलने में उसे दुख होता होगा, इतनी प्यारी जेल छूट गई, कितने अच्छे से रहते थे और जेल ही छूट गया, ऐसा लगता है? पंडित ज्ञानचंद जी शास्त्री, उन्होंने कहा एक बार
कि राजा ने जन्मदिन पर जेल के सब लोगों को छुट्टी कर तब जाओ। तो कुछ लोग जो 200 वर्ष से रह रहे थे वो बोले हम कहाँ जाए साहब, अरे हम छोड़ रहे हैं ना, मुक्त होना तो चाहिए। अरे साहब अपनी दुकान अपने लड़के अपने बच्चे अपने घर हम कहाँ जाए, कि सब पागल है। हम कह रहे तू भगवान बनाने के लिए बुला रहे। तो वो जो लड़के जो व्यक्ति थे और जिनको जेल में ही रहने का अभ्यास हो गया था वे कह रहे हम जाए कहाँ, भाग भागते हो कि नहीं। राजा ने कहा यहाँ कोई नहीं रह सकता, भगा दिया। अब कुआरी पे और दराई और अंधेर दी और सब घूमते घामते और शाम को फिर लाइन लगा के पड़े। ऐसा ही जीव मुई है, इसको इतना अच्छा महावीर का कल्याण कि भगवान बन जा। तेरे अंतर में भगवान है, हमें नंद भैया ने गाए भजन। तेरे अंतर में भगवान है फिर भी तू उससे अनजान है, माता जिन वाणी समझा रही सिद्ध जैसी तेरी शान है। तेरे अंतर में भगवान है, तेरे में है कि मेरे में, जिसे मेरे में भगवान दिखता है उसे तेरे में भी दिखता है, और जिसे मेरे में भगवान नहीं दिखता उसे सब जगह सही दिखता। सब लाइन लगा के खड़े थे। ऐसे ही संसार में जीव, इसे मुक्ति का कोई उपाय बताने वाला महावीर आया था, कह रहा था कि जहां देह अपनी नहीं है सब छूट जाने वाला, छठ छठ मंगल है, ये अपना स्वरूप नहीं है, ये कार्टून पना है। डॉक्टर वारेल ने सुनाया था सोनागिरी में कि मेरी शादी होने का काल था और उन्होंने लोगों ने कहा कि कोट पैंट पहनना पड़ेगा, मुकुट लगाना पड़ेगा। तो ये तुम्हारी कोट पैंट एक तरफ रखो और ये मुकुट रखो, तुम्हें धोती कुर्ता में हमारी शादी करना हो तो करो, हम एक कार्टून नहीं। उन्हें डायमंड सूट कार्टून दिखता और महावीर स्वामी को तो दे ही कार्टून दिखता। ये कलंक है, ये शोभा नहीं है अपने। तो दे छोड़ना है कि छूटी देखना, धन है वे जी जो दे छूटने के पहले क्या देख लेते हैं, दे दृष्टि छूट जाए। कभी भी लाखों वर्षों तक जीव या मृत्यु आज ही आ जाए तुम्हारी ताकत हो तो अपने यहाँ का पाठशाला का 8 साल का बच्चा आतंकवादी से कहता है तेरी बाप की ताकत हो तो मार, मैं मरने वाला मैं आत्मा हूं। 8 वर्ष के बच्चे को इतना बल कहां से आ गया, महावीर की देश ने। मैं जीव हूं, मुझमें ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूं मैं मरने वाला नहीं। शरीर अजीव, शरीर में ज्ञान नहीं, अकल नहीं, शरीर को जानता नहीं। ये भेद विज्ञान कराने वाले महावीर स्वामी आए थे। अपन को लगता नहीं कि कितनी बड़ी हस्ती आई, विश्व की विभूति अपने भाग्य से में। ऐसे महावीर स्वामी का ये महान यज्ञ, ये महान महोत्सव, महान प्रताप से महापुण्य के उदय से अपन सबको मिला है। और एक ही भावना भावना से हमें अपनी आत्मा अपनी लगना चाहिए, क्योंकि भगवान बार बार जब भी अपन मुद्रा देखते हैं तो भीतर देखते हैं। जितने भी मुनिराज मिलते हैं तो वे अंतर्मुखी हो, विभिन्न संग विन सदोपयोग, सम्यक दर्शन जब भी होता है तो भीतर देख के, भीतर देख के होता है, यानी आत्मा को आत्मा देख के। आप अपने को अपनापन दो, जैसा शरीर में समर्पण जा रहा है बिना मतलब का। बड़े पंडित जी का भी 9 मिनट का संदीप भैया ने एक मैसेज भेजा, उन्होंने कहा कि यदि तेरे घर में जल कम हो, पानी आना बंद हो, हड़ताल चल रही हो कि पानी नहीं आएगा जो दिन, तो एक मिनट में मुंह से निकलता पानी फेंकना नहीं, बर्बाद नहीं करना, थोड़ा सा है सदुपयोग कर। ऐसे ही उन्होंने कहा कि जीवन के अल्प क्षण है, बहुत छोटी उम्र लेके आए थे महावीर 72 साल की, अब तो इतने भी नहीं जी पा रहे लड़के आज। सोचो उनने कितना संघर्ष किया होगा कि जो 84 लाख पूर्व में आदिनाथ ने किया उन्होंने 72 वर्ष में करके दिखा। अपनी आत्मा अपनी ऐसी गस गई, रम गई उसमें, डट गए कि आंख खोलने की इच्छा नहीं, वहां
सतियों की प्रथा हो रही, अग्नि जल रही, वहां घोड़े जलाए जा रहे, नरमेघ या घो रहे। उन्होंने कहा कि अपने यज्ञ तो संभाल लो, फिर दूसरे का समान। और जब केवल ज्ञान हो गया तो फिर खुली देशना सारे जगत के सब बंद हो। बहुत कम समय है, बहुत कम विशुद्धि है, बहुत कम क्षयसम। अंतोड़ स्वीणम कालो थो वयम तुम्बेहा तरण वर सिक्खी अभ्यम जम जर मरण खयम पड़े। ये भाई वो काम जल्दी से कर ले जिससे तेरे जन्म मरण का अंत आए। हमारी ने क्या किया, मम्मी ने कहा बेटा एक बार शादी तो करा, हमें अच्छा लगेगा घर में बहू आ जाए। तो उन्होंने क्या कहा, मम्मी तेरी आज्ञा मानूंगा, परंतु मैं ऐसी शादी कराऊंगा जो संगनी कभी छोड़े। ऐसी पत्नी बहुत बार मिली कि जो या तो पहली चली जाती है या पहले चला जाता है, पर हम तो ऐसी संगनी से शादी करेंगे तुझे दुखी करके नहीं जाएंगे। मुक्ति रमा सहचर मेरी, किसे मिलती है मुक्ति रमा से, ये मोह तरक कर टूट पड़े प्रभु। सार्थक फल ये है पूजा का फल, कि तेरा मोह छूट जाए, मोह छूट जाए यानी तुझे आत्मा ही आत्मा देखे, आंखों में झूले भगवान देखे कि ज्ञान देखे, आत्मा देखे। ऐसे महावीर स्वामी का ये क्या कहती मोक्ष कल्याणक पर्व है, चार लाइनें पढ़ के बहुत गजब की बात आपको बताना है। कैसी आत्मा दिखाई गुरुदेव श्री ने, वो अच्छी गजब के मंत्र इस पुस्तक में उनके प्रवचन है, निर्वाण महोत्सव है। अभी डॉक्टर साहब की पूजन के छंद है जो थोड़े पढ़ रहे। यद्यपि यो दे नहीं कियो नाहि रखे असीति परम अहिंसक आचरण तदपि बने महावीर, तदपि बने महावीर। अस्त्र शस्त्र ये सब कमजोर लोग रखते, और जो बलवान होता है उसे डर नहीं लगता ना। क्यों नहीं लगता, क्योंकि उसका कोई शत्रु नहीं, बस क्योंकि उसके चित्त में शत्रुता की जगह है, क्योंकि उसके चित्त में मित्रता ऐसी भर गई है, सब जीव प्रेम भावो, सब जीवों में गुणी जनों में ऐसी मित्रता ने जगह ले ली, और शत्रुता कहाँ है। तो यद्यपि युद्ध नहीं कियो, करने की जरूरत नहीं, और ना ही रखे असिति, न तलवार न कमान न लड़ाई न भड़ाई। एक डंडा भी महावीर भगवान के घर में नहीं मिला, कूजने गई, क्यों नहीं मिला की जरूरत ही नहीं। परम अहिंसक आचरण, अहिंसक आचरण तो सदाचार वाला जैनियों के भाग से आ जाता है, परंतु अग्नि हिंसा ना हो ये परम अहिंसक है ना। राग की उत्पत्ति होना ये हिंसा है, और विराग भाव यानी अपने में मगन रहना आनंद भोगना परम है। ये जगत अहिंसा के नाम से दूसरे के जीवों को बचाने में अहिंसा मानते हैं, और जब तू अपने को बचाएगा तो दूसरे जीव अपने आप बच जाए। हम रात में नहीं खाएंगे तो रात्रि में जो मरने वाले जीव है उनकी हिंसा तो अपने आप बच गई। जैनी व्यक्ति नरक क्यों नहीं जाता, क्योंकि उसके घर में रात में चूल्हा नहीं जलता। और रात में खाने वाले नरक में क्यों जाते, क्योंकि उन्हें दिन पसंद नहीं है, रात यानी अंधेरा पसंद है, वो नरक चले जाते। ये प्रकृति की व्यवस्थाएं किसी ने बनाई नहीं। तो परम अहिंसक आचरण यानी वो आत्मा में मगन रहते थे, तो रात खड़ा नहीं होता था, जरूरत नहीं पड़ती थी कसाय करने की। इस तरह से आप महावीर बने। हे मोह महागल दलन भी दुधर तप संयम धरण भी, तुम हो अनंत आनंद कं तुम रहत सर्व जग दंड बन, अग करण करण मन हरण हार, दुख करण हरण भव दुख अपार, सिद्धार्थ तन तन रहत दीन सुर नर के नर सब। यो महावीर स्वामी की पूजा क्यों करें, ये मोह महादल दलन दी, ये महादल यानी कीचड़, महान अंधकार, महान भंवर, इस भ्रमण से भगवान बच गए। उन्हें अपने को बचाया तो ऐसी मुद्रा देख देख के अपार जीव बचकर मुक्ति के मार्ग में लगे।
ये मूल महादल कैसे उदाहरण देते हैं, अभी एक जेल में कैद में बहुत से कैदी पड़े और राजा के जन्मदिन पर उसे प्रसन्नता हुई। उसने कहा कि हम सब तुमको निकालने आए, ऐसा नहीं कहा, ऐसा कहा हम तुम्हारे कष्ट मिटाने आए हैं, बताओ तुम्हारा कष्ट क्या। जितेंद्र जी से पूछा कि भाई व्हाट इज योर प्रॉब्लम, उन्होंने कहा साहब जेल में आ गए हैं परंतु यहाँ दाल अच्छी नहीं मिली, पतली पतली दाल दे। अखिलेश से पूछा कि यहाँ जली भुनी रोटी मिली। तीसरे से पूछा और तुम्हें क्या तकलीफ, साहब ठंड के दिन है पल्ली नहीं। एक से पूछा क्या है कि मच्छर बहुत काटते मच्छरदानी। एक से पूछा भैया टाइम नहीं कटता सीडी प्लेयर नहीं। एक से पूछा सैमसंग का मोबाइल मिल जाए तो हमारा दिन निकल जाए। सबकी डिमांड 99 कैदियों ने कहा मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। एक मुमुक्षु भी फंस गया। उससे पूछा कि व्हाट इज योर प्रॉब्लम, साहब ऐसा महावीर पर भगवान निर्वाण जा रहे और भगवान का भगत बंधन में रहे, मतलब आपको अच्छा लगता, आपके हाथ में है मुक्ति देना, इसे मुक्त किया जाए। अब राव 99 लोग दाल भात रोटी में लगे रहे और ये भगवान मानने में लगे। समझ में आए प्रयास क्या करें, 99 आदमी दाल भात रोटी में लगे रहते मुक्त होने के लिए सोचते भी नहीं, ये तो जैन कुल में जन्मे ना इसलिए इसकी बातें चल। हम भली हमारी दुकान भली भली तो है ही क्योंकि यही मर के कीड़ा होना। क्या कह रहे हैं वो कि 99 आदमी से क्या कहा होगा, अच्छी बात तुम्हारी दाल की व्यवस्था है रोटी की भात की चावल की कल से पूरी मिल जाए खीर बना देना इंदिरा जी, परंतु आत्मा नहीं मिली। और एक ने कहा कि यह सब पर भगवान मानने जा, आप क्या चाह रहे, ये मुंह है जो आत्मा नहीं सोच रहा, ये मुंह है जो कहता घर करती मेरी मेरी मेरा अपनापन जो कर रहा, ये जीव को आत्मा नहीं देखने दी। और ऐसे विचित्र शत्रु से विजय प्राप्त की इस व्यक्ति ने, महाकाम अपने साथी थे लंगोट संघ में अपन ने कबड्डी खेली, महावीर स्वाम क्रिकेट खेली उनके साथ, अपन ने जुआ खेला अपन ने उनके साथ दंडबंद भी किए सब किए, और आज एक व्यक्ति अपना साथी से दल में विराजमान और अपन कहां कर रहे। वैसे ही शक्ति वैसे ही सामर्थ वैसे ही ताकत वैसे ही भगवान बनने का पावर, और एक जीव पहचान लिया शेर की पर्याय और अपन मूछ वाले पर्याय में नहीं पहचान पाए, ऐसा कैसे हो सकता है। हे प्रभु आपने लड़ाई भड़ाई नहीं की फिर भी महावीर हो, और आपने मूल का अभाव किया यानी सच्चाई का परिचय प्राप्त, वास्तविकता क्या है ऐसा उनका ज्ञान काम करने लगा, बात समझ में आ गई बस चल पड़े। दुर्दर तप किया आनंद आनंद भोगा और सब जगदंडपन से रहित हो गए, पांच इंद्री के जो पाप कराने में निमित्त बनती हैं सुख करने के लिए जीव का मन होता है इस दंडपन से रहित हो गए। यहाँ तो लोक में सिद्धार्थ आपके पिता थे, सचमुच में जीव का कोई पिता नहीं होता, तो आज वे तन रहित हो अशरीरी थे अशरीरी हो अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्हें में। अगले पेज पे फिर भगवान महावीर ने जो उनको पहचानती विधि वो क्या कहते, जो तुमको नहीं जाने जिने वे पावे भव भव भ्रमण क्लेश, वे मांगे तुमसे धन समान वैभव पुत्रादिक राज का। जो एक धन्य 13 साई थी एक रूप 14 साई, तो अभी पेपर में कल देखा कि रूप निखारने का काम कर महिलाएं रूप निखार, मतलब क्या बनाना चाहता है, इसे यही समझ में नहीं आती कि जेल को सजाओ। जेल में पहुंच गया हो ना कि भैया तुम जेल में आए हो सजाओ धर्मशाला सजाओ, आज तक किसी व्यक्ति ने धर्मशाला तो नहीं सजाई, अरे अपने घर के सामने सड़क पर गड्ढा हो गया और आदमी लड़खड़ा के गिरे तो गड्ढा में ईंट नहीं भरती और इतना कचरा फिकता है, इतना कठोर जीव क्यों नहीं करता, हमारी थोड़ी ऐसा उत्तर आ, हमारी थोड़ी धर्मशाला, तो फिर ये चमड़ा किसका इसमें आग लगने वाली, स्मशान की पूर्व राख की पूर्व की पर्याय इसमें क्या करना चाहिए, मुंह खोलो तो सवान सी बात आती और इसे सजाता काई से।
सीखो इनसे, महावीर स्वामी रोज रोज नहीं आते, ये तुम्हें नहीं पहचाने, यानी आत्मा को जानने का उपाय नहीं कर रहे हैं, यानी शरीर के लिए जी रहे हैं, यानी वे कुछ ना कुछ भीख मांग रहे भीतर बैठे, भले दिखते हैं ईमान। भीड़ ने रास्ता दिखाया, राजा भटक गया था, तो बोले समझते हो कौन राजा, तो कोई जरूरत पड़े तो आना मेरे पास, और ये कागज रख लो अपने। अब वो जरूरत पड़ते हैं, बारिश नहीं हुआ, काल पड़ा, तो गया कागज लेके, तो उसने देखा कि राजा साहब भगवान की भक्ति कर रहे, हे प्रभु कृपा करना, हे प्रभु कृपा करना, इसे बार बार पैर पड़ा, कह रही है तुम इससे बड़ा भिखारी है, अपन समझ रहे थे ये राजा हो, ये खुद ही मांग, ऐसे भी दिखा रहे शरीर से तो भगवान, और अपन कह रहे यानी पूजा कर रहे सिद्ध की और मान रहे गिद्ध की, पूजा वीतरागियों की और पूजा वहां धनलक्ष्मी, कैसे कल्याण होगा। तो जो आपको नहीं पहचानेंगे जिनेश, वे भव भव तो कष्ट पाएंगे, पर इस समय वे क्या कर रहे होंगे, वे मांगे तुमसे धन, वैभव, जिनकी लड़का बच्चा नहीं, वे लड़का मांगते, जिनके पास दुकान नहीं चलती वे दुकान मांगते, जिनके मकान नहीं है वे मकान के, यानी भगवान को नौकर बनाना, भगवान मिले भगवान बनने के लिए क्या समझ, वैभव पुत्रादिक राज का जिनको तुम त्यागी तुच्छ जान वे उन्हें मानते हैं मां, यानी इतनी अकल तो चाहिए कि किससे क्या मांगे। एक मेहनत रानी से अपन कहे एक मारुति कार दे दो ना, बेचारे को कहे भैया 100 रुपया मिलती, भैया 2 बज जाते हैं, पेट भर नहीं पाते, तो मारुति मांग। ऐसे 3 लोग के नाथ भी भीतर देख रहे, उनसे मांगो तो आत्मा मांग, आत्मा की रुचि कैसे हो जाए वहां, मैं क्या मांगू भगवान, मैं तुमसे क्या मांगू, मैं क्या मांगू भगवान, मैं तुमसे क्या मांगू, मेरे रोम रोम में बस जाओ भगवान, और मैं क्या मांग, भगवान ही यहाँ बैठ जाएंगे, अरे यहाँ भगवान पेट में बैठे थे तो रतन बरसने लगे, 100 इंद्र आ गए, 56 कुमारी देवी आ, भगवान आए तो जहाँ खड़े हो जाए वहां मांगना पड़े, पेड़ के नीचे जाने पर बताओ छाया किसने मांगा, तो भगवान का भगत दुखी रह सकता है क्या, लौकिक अनुकूलता उसके पैर पखारती, उसकी सेवा करने तैयार है, वे मांगे तुमसे धन समान, ये कभी जड़ की मांग नहीं करना, पाप बनता है, भगवान से ही कहना भगवान मेरी वासना जड़ के प्रति छूट जाए, मेरी दुकान नष्ट हो जाए प्रभु, बंद हो जाए, मैं आपके पास आ, मुझे नया मकान ना बनाना पड़े, मुझे आपके बने बनाए मकान अच्छे लगते, जंगल मुझे अब शरीर नहीं चाहिए, शरीर की दशा अच्छी लगती, इस तरह से भावना तो भाव तब तो सिद्ध बन पाओ, जिनको तुम त्यागे तुच्छ जान में उन्हें मानते हैं मान, उनमें ही निस्जन रहे लीन, वे पुण्य पाप में ही प्रवीण, प्रभु पुण्य पाप से पार आप, बिन पहचाने पावे संताप, संताप हरण सुख करण सा, शुद्धात्म स्वरूपी समय सा, तुम समय सा हम समय सा, संपूर्ण आत्मा समय सा, जो पहचाने अपना स्वरूप, वे हो जावे परमात्म रूप, उनको न कोई रहे चा, वे अपना लेवे मोक्ष रा, वे करे आत्मा को प्रसिद्ध, वे अल्प काल में, कितना सुंदर आशीर्वाद आया कि जिसने आत्मा पहचाना, यानी मैं शरीर नहीं, विकल्प नहीं, राग नहीं, कसाय नहीं, अल्पज्ञता नहीं, ये आत्मा जानने वाले अल्पकाल में सिद्ध होने वाले, भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान जो आपका, वह भविष्य मम जा, वह भविष्य मम जा,
इतनी अच्छी जगह पहुंचने वाले, जितने आज मुमुक्षु हैं वे सब भविष्य के सिद्ध भगवान। अरे कॉन्फिडेंस तो लाओ, एक ज्योति की बात तो मान जाते हो, एक सर्वज्ञ की बात नहीं। एक डॉक्टर कहता है कि ये ऐसा काम करोगे तो ये शक्कर खाओगे तो जहर, मान जा। अभय जी बोले कि एक आदमी को मैं 50 बार कह चुका गुटखा छोड़ो छोड़ो, नहीं छोड़ो। और एक बार दर्द हुआ और डॉक्टर के पास गया कि मरना है, मैं क्या कर रहा है, मौत आ गई क्या तेरी, गुटखा समझ से क्या कहलाता जहर, साहब अब नहीं खाऊ अब नहीं खाऊ। बोले गुटखा छूट गया। अब वो अभय जी से बोलने आए कि साहब आपने कहा था कि गुटखा छोड़, आज मैंने छोड़ कि आज क्यों छोड़ा, डॉक्टर डॉक्टर के कहीं से छोड़ने पर पुण्य भी नहीं लगे, और जिनेन्द्र देव के कहने पर छोड़ता तो पुण्य भी लगे। तो अपन सब भविष्य के सिद्ध है कि नहीं परी, क्यों है परी, क्योंकि वो भी आत्मा और हम भी आत्मा, देव भूतकाल प्रभु आप भी ऐसे ही थे। मारी कितने 5,56,00,000 भव आपने धारण किए थे ऐसे जैसे हम भटक, भूतकाल प्रभु आपका वह मेरा वर्तमान, अभी हम इस दशा में, और वर्तमान जो आपका, आप सिद्ध भगवान वर्तमान में हो तो हम क्या बनेंगे, भक्त नहीं भगवान। दस 5-10 मिनट लेंगे, बहुत अच्छी बात कहना है कि जो बड़े पुरुषों ने अपन को सुनाई कैसी बनती है भगवान। अभी तो अपन को प्रेरणा इतनी दी पूजा से, इस चिंतन से मिली, अब जो अब भी आपको आत्मा दिखता है, ये स्वामी जी की एक शैली थी कि एक सेकंड नहीं लगे एक लाइन में और आत्मा दिखा। सुनना, महावीर भगवान आज निर्वाण पधारे, सिद्ध हुए, गौतम स्वामी को आज केवल ज्ञान पर, ये दो बहुत बड़े पर्व कहलाते, एक निर्वाण और एक को कैवल्य ज्ञान, बहुत बड़े पर्व वास्तव में। सुनना संजय भैया, बहुत गजब की बात, वास्तव में कोई जी केवल ज्ञानी और सिद्ध भगवान को नहीं जानता है, परंतु अपनी ही आत्मा को जानता है। जितने भी जीव हैं अभी अपन को भगवान दिख रहा है, वो कह रहे तुझे भगवान नहीं दिख रहा है, तुझे अपना ज्ञान दिख रहा है। कुछ अंतर समझ में आया, सोचना जैसे दर्पण में कुछ अपन को कोई हाथी देखा तो बता दर्पण में हाथी है कि दर्पण में दर्पण है, ऐसा तो अपन को प्रत्यक्ष ज्ञान होता ना। इसी तरह से अपन को अभी महावीर स्वामी बैठे देखे तो कहाँ देखे, ज्ञान में देखे कि महावीर स्वामी में देखे, ज्ञान में देखे। ये ज्ञान अपना है, इसमें महावीर नहीं है, इसमें महावीर जैसा ज्ञायक है, क्योंकि ये ज्ञायक की पर्याय है ज्ञान। जैसे सुनना वास्तव में, सब लोग मन लगाना क्या कह रहे, बहुत बड़ी बात कह रहे, जो अभी आपको अधि आत्मा की आस्था जग जाए तो दर्शन मोहनी गलते गलते ये आप शाम को कहोगे कि मुझे कहां से हो गया ये सम्यक दर्शन। वास्तव में सच्ची पूछ, कोई भी जीव, विश्व के सारे जीव केवल ज्ञानी यानी अभी महावीर स्वामी के पास आए, सिद्ध भगवान यानी जो अभी निर्वाण दशा में पहुंचे उनको जान रहे हैं, अभी ये देखता है ना अपन उनके पास खड़े जान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं साहब अच्छे से सुनना, ये जो तुम्हें भगवान दिख रहे हैं ये वहां भगवान नहीं है जहां दिख रहे हैं, यहाँ तो कौन है, यहाँ कौन है प्रयास, ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान में कौन है, ज्ञान ही ज्ञान, तो महावीर भगवान कहाँ, सन्निधि महावीर भगवान कहाँ है, ज्ञान में महावीर भगवान, महावीर भगवान में नहीं है? सभी अलका जी सोचे ना, महावीर भगवान अपन को दिखे, ये सब व्यवहार, क्योंकि लोग का लोग झलकता है जिनका ऐसा प्रभु का केवल झलकता है, परंतु अभी तो सच्ची बात बता रहे ना, परमार्थ से क्या, अभी व्यवहार बताया था, लोकालोक झलकता जैसे में ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान, लीन रहे निज शुद्धा समय में आनंद महान, रोम रोम पुलकित हो जाए जब आत्म का ज्ञान हमें आए। नहीं आ रहा ना, प्रसन्नता ऐसी नहीं हो रही जैसी भोजन को देख के होती है, जैसी पैसे को देख के होती है, जैसी भगवान को देख के होती है, ऐसी भगवान आत्मा को देख के होना,
फिर से अभी भगवान देख रहे थे ये सब व्यवहार, क्योंकि आत्मा का ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, लोका लोक झलके, इसका मनाई नहीं करते। पर सच्ची बात सुनो, इस ज्ञान में लोका लोक है कि ज्ञान में ज्ञान है? तो ज्ञान में ज्ञान देखना सम में ज्ञान। अब ज्ञान में ज्ञान लखेंगे चिदानंद पाने का। ये चिदानंद जो नाम सुना था, आत्मा आनंदमयी ज्ञानंद स्वभावी है। ज्ञान में ज्ञान देखो तो आनंद धरे, और ज्ञान में घी देखो तो राग धरे। वास्तव में कोई जीव केवल ज्ञानी और सिद्ध भगवान को, महावीर स्वामी को, पंच परमेष्ठी को, तीन लोक को, लोका लोक को सचमुच में नहीं जानता है, क्योंकि इसके ज्ञान में कोई भेद नहीं है, क्योंकि इसके ज्ञान में ज्ञान है, क्योंकि ये ज्ञान से अपने ज्ञान को जानता है। ये सब में ज्ञान मानता है और मिथ्या ज्ञान मानता है। सब में ज्ञानी कौन? जो मानता है, जानता है। और मिथ्या ज्ञानी कौन? जो होने पर भी नहीं जानता, परंतु अपनी ही पूर्णता को जानता है। वो कहते कोई भी वस्तु अधूरी नहीं होती। जो ज्ञान है ना, ये पर्याय जानना। और ज्ञान किसी गुण का होता है और गुण किसी ज्ञेय का होता है, तो जानने में पूरा क्या है कि यही में हूं, यही में हूं। वो सरलता से प्रस्तुत किया, गुरुदेव की शैली थी, अद्भुत शैली लेके आए थे इस काल में। अपनी पर्याय की सामर्थ्य ऐसी ही है, उसे वर्तमान करके जानते हैं। कितनी वजन बात, तो कह रहे सिद्ध भगवान महावीर स्वामी कितने वर्ष पहले हुए सिद्ध? 2526 है, 2545 वर्ष हुए। अब आज ये कह रहे आज ही सुनना पड़ेगा था। कैसे आज कैसे हुए? क्योंकि कोई भी वस्तु वर्तमान में मिलती है, भूत और भविष्य में नहीं मिलती। फिर से अपन को महावीर स्वामी को जानने के लिए 2500 वर्ष पीछे नहीं जाना है, अभी आज की ज्ञान की पर्याय में जाना। और महावीर स्वामी पहले निर्वाण हुए, पर हमें कहाँ मिलेंगे? वर्तमान में मिलेंगे कि पहले मिलेंगे? वर्तमान में मिलेंगे। हम मिलेंगे कहाँ? ज्ञान में मिलेंगे कि महावीर में मिलेंगे? तो गजब का धर्म है भाई। भी कल्पना नहीं कर सकता था कि पूजाओं में प्रवचनों में आत्मा गृहस्थ के भी दिखा सकते। अपन तो समझते थे मुनिराजों को कपड़ा उतारोगे तो यहाँ तुम अपना कपड़ा उतारो आवरण। ज्ञान पर नियामत तेरे यह मोह का पर्दा पड़ा, इसलिए ये आत्मा तुझको नजर आता नहीं। आप में जब तक कि कोई आपको पाता नहीं, मोक्ष के मंदिर तलक हरगिज कदम जाता नहीं। मैं हूं कि नहीं हूं? गया बोलो तो यार, ऐसा नहीं कर, ऐसे बैठ। मैं हूं कि नहीं हूं? मैं ज्ञान स्वभावी हूँ कि जड़ स्वभावी? ज्ञान स्वभावी। ज्ञान अभी जान रहा है कि बंद है? जान रहा है। इस जानने की पर्याय में ज्ञायक भगवान विराजमान है कि लाना है? है। क्यों है? क्योंकि ज्ञायक के बिना ज्ञान नहीं होता। हवा से ज्ञान नहीं आता, गे से ज्ञान नहीं आता। कहाँ से आता है ज्ञान? ज्ञायक से आता है। तो अपन को महावीर भगवान दिख रहे कि ज्ञान दिख रहा है? क्यों से? क्योंकि महावीर भगवान से ज्ञान नहीं आ रहा। ज्ञान कहाँ से आ रहा? ज्ञाय से आ रहा। तो महावीर का ज्ञान भी किसका ज्ञान है? ज्ञान का ज्ञान। कैसी ज्ञाय दिखा दिया? अब ज्ञान में ज्ञान लखेंगे चिदानंद पाने करेंगे। कौन से पूछे? अभी अपन यहां से निकलेंगे, है ना? न जाने क्या क्या दिखेगा, केला वाला, सेब वाला, सब कुछ दिखेगा कि नहीं? सच्ची बताना, वो केला दिख रहा है कि ज्ञान दिख रहा है? सेब दिख रहा है कि ज्ञान दिख रहा है? क्या कैसा मंत्र है? एक लाइन में मोक्ष हो सकता संजय भी? एक लाइन में जीव कितने में भगवान बन सकते? बस इतना ही पढ़ा। शिव भूति मुनि ने कितना पढ़ा था? दाल भिन्न और छिलका भिन्न, तो क्या हुआ? केवल ज्ञान हुआ।
ना तुस मारस तुसमातम घोषंतु तुस और मास भिन्न भिन्न है। इतना बड़ा बाबू जी कहते हैं कि आम चूसना आता हो तुम्हें सम्यक दर्शन हो सकता। आम चूसना यानी गुठली भिन्न है और रस भिन्न। मूंगफली खाना आता है जितेंद्र? मूंगफली खाई कभी? छिलका सेहत कहते हो कि छिलका रहे? तुम छिलका सेहत मिलेगी और छिलका रहे खा। ऐसे ही जीव देह सेहत मिलेगा और देह रह दिखा। अपनी पर्याय की सामर्थ ऐसी है कि प्रत्येक वस्तु को वर्तमान करके जानता है और अपने को जान। उसे भी कैसा जानेगा? वर्तमान। और कहाँ जानेगा? ज्ञान में। तो ज्ञान में वो वस्तु जानी कि अपना आत्मा जाना, आत्मा जाना। परंतु ये मानता नहीं है, इसलिए कहता ये पुस्तक। पुस्तक तो दिखती है, पुस्तक को देखने वाला नहीं। कितना बड़ा अंधेरा। और अपनी एब्सेंट में पुस्तक दिखाओ। एक व्यक्ति सूरत 20 साल और नींद लग गई सूरत, और उसके सब लोग घर के महावीर जयंती का टीवी में महोत्सव देख, और एकदम से कोई ऐसा प्रसंग आया कि सबको हंसी। और वो लड़का क्या हो गया, क्या हो गया? अब उससे क्यों हंसी नहीं आई? क्योंकि इसे पता ही नहीं क्या हो। ऐसे ही जीव को ये ज्ञान हो रहा और पता ही नहीं कि ये ज्ञान में हूं। जो आप जानता वो आत्मा कहलाता है, ये पता नहीं। और जानता दिन भर उसी की खाता है और उसी की दाल थाली में छीन। ज्ञान में, ज्ञान में ये अपसपन की बात। ज्ञान ही तो है मुझे, और कुछ नहीं। मेरा धन क्या है? ज्ञान है। सिद्ध भगवान भूतकाल में हो गए, सुन संजीवी, सिद्ध भगवान भूतकाल में हो गए ऐसा नहीं है। सुन तो लो, ये झूठी बात नहीं हो, ऐसा नहीं। यहाँ देख के बोल रहे सिद्ध भगवान भूतकाल में हो गए, तुम यहाँ कह रहे। वो कह रहे हैं कि सिद्ध भगवान भूतकाल में जो हो गए ना, वे वर्तमान में हो रहे हैं। भूतकाल वाले हमें कहाँ दिख रहे? वर्तमान में दिख रहे। वो कहाँ दिख रहे? ज्ञान में कि भूतकाल में? और उनमें दिख रहे कि इसमें दिख रहे? और तुम कौन हो, देखने वाले हो कि भूतकाल हो? समझ में आई? गारुणी मन से समय सारे दीपावली महोत्सव काय की दीप जला। दीव जब आए असंख्या तो देव आए निर्वाण पर्व, तो दीपक जल गया, मणि दीप रहते हैं। तो इसलिए प्रकाश हो गया, प्रकाश प्रकाश प्रकाश, तो सब जगह रोशनी रोशनी। अब इसे बेचारे मूर्ख जीव समझ नहीं पाए काय का प्रकाश। वो समझता है कि दिया जलाया हुआ, तो दिया लिया है जला। दर्जी को हीरा मिला सुई पौने का, ऐसे इसको ज्ञान मिला निर्णय लेने के लिए, भगवान जैसा अनुभव करने के लिए काई में लगा। 5 मिनट में समाप्त। बीच के काल को निकाल दो। भगवान 2600 वर्ष पहले हो, हम बीच के काल को याद नहीं कर। हम आज पूजा की अपन, पर आज महावीर जी की, झूठ नहीं बोल। सबने आज किसकी पूजा की? महावीर। और काई के पर्व की है? निर्वाण पर्व। तो आज निर्वाण पर्व मनाएगी? आज मना रहे। तो आज कहाँ मना रहे बताओ? ज्ञान में मना रहे हो कि मंदिर में मना रहे? ज्ञान में मना रहे। ये ज्ञान किसका है? मेरा है। तो मेरी दीपावली ये सोमवार। भूतकाल में महावीर सिद्ध हुए ऐसा कौन जानता है? ज्ञान जानता है? नहीं, ऐसा नहीं जानता। वर्तमान में ही सिद्ध हुए ज्ञान ऐसा जानता है, उसमें ज्ञान और घी दोनों द्रव्य की अखंडता को लक्ष्य में लिया। फिर से ज्ञान और गे दोनों द्रव्य की अखंडता, वो भी परिपूर्ण ये भी परिपूर्ण। वो यहाँ नहीं आ सकते, हम वहां नहीं जा सकते। हमें महावीर की पूजन करने के लिए सिद्धालय नहीं जाना है, ज्ञानालय में जाना है। पावापुर नहीं जाना है, कहाँ जाना है? पावापुर में भी कौन देखता है कि ये पावापुर? ज्ञान किसका? ज्ञान अपना ज्ञान। तो आपके ज्ञान की महिमा आना पूजा का। बहुत बहुत हो चुके रुलती रुलती रुलती, आज पता नहीं ये पंचम काल निकृष्ट, मुंडा और सर्पणी काल महानिकृष्ट, और सर्वोत्कृष्ट भगवान आत्मा की काल निकृष्ट है और बाप उत्कृष्ट है। और उत्कृष्ट जीवों के लिए उत्तम चंद जी चले गए, वो कहते थे कि ये छठवीं गाथा छठे हुए लोगों की। ये महावीर स्वामी का मार किसके लिए?
अपनी होना अच्छी उसकी वर्तमान अवस्था से ही जानने का कार्य करती है। द्रव्य गुण तो वर्तमान रूपी है, द्रव्य गुण पर्याय से अखंड वस्तु होती है। यदि सामने की वस्तु पूरी वर्तमान ना हो तो उपादान निमित्त का मेल ही होता नहीं। सुन लो जरा एक सिद्धांत अर्चना, ये कह रहे हैं यदि तुमने महावीर को यहीं बिठा लिया तो फिर भी निमित्त नहीं रहे, फिर भी उपादान रहे, और तुमने अपने ज्ञान को उपादान को उपादान रहने दिया तो महावीर भी दिख गए और ज्ञाय उपादान भी दिख गए। क्या गजब की बात नहीं। ये कह रहे हैं कि यदि तुमने महावीर को सचमुच में यहाँ देखा, जबकि सचमुच में वे कहाँ है, सिद्धालय में, और तुमने कहाँ देख लिया, यहाँ, ये तो भावना में जाता है, ये तो व्यवहार, पर सचमुच में ये बताओ कि ज्ञान में महावीर आ सकते क्या, नहीं आ सकते। महावीर तो निमित्त और ज्ञान जानता ही उपादान, तो इस उपादान में और निमित्त में एक बैलेंस, निमित्त अपने निमित्त बने को नहीं छोड़ता और उपादान अपने उपादान को नहीं छोड़ता। मैत्री हो कि हमारे भगवान है और हम भगवान, और यदि यहाँ उपादान नहीं दे अब तो मैं निमित्त भी निमित्त नहीं रहे, क्योंकि तुमने निमित्त को उपादान तो भगवान की आज्ञा से बाहर हो गए। क्या गजब का मंत्र है वैसा, इस यहां से नहीं पढ़ा था एक बार सब बढ़िया ना, गजब है। एक एक वस्तु भी परिपूर्ण, उसको जानने वाला आत्मा भी परिपूर्ण, वो भी वर्तमान, हम भी वर्तमान, हमारे ज्ञान में जानने का पावर स्वर प्रकाश शक्ति वो दिखेगी, भक्ति होगी, राग अब पूजा होगी, अब ये सब दिखेगी कहाँ, ज्ञान में दिखेगी। ज्ञान किसका है, हमारा, हमारा लगाव तुम्हें दर्शन आ, और अभी कैसा लग रहा है, बहुत बढ़िया लेख है, आप सबके भाग है स्वामी जी के ऐसे लेख आपको पढ़ने मिलेंगे। आप कभी ले जाओ यहाँ, महावीर स्वामी की पुस्तक रखी है, आज का दिन पूरा पूरा भक्ति में जाने चाहिए, आराधना में जाने चाहिए। कोई भी कहे कि दुकान चल कि भाई साहब आज नहीं, हमें ये महावीर बने, महावीर स्वामी 72 वर्ष में घबरा इस संसार में हम नहीं रहे। यद्यपि यो दिन नहीं कियो नहीं रखे असी थी परम सके आचरण तदपि बने मान। 2-3 पद और पढ़ाते हम सबको वंदना करा रहे, सब लोग दोहराना है। तीन काल के जिने बरा तीन काल के से तीन काल के जिने बरा तीन काल के से तीन काल के मुनि बरा बंदो लोके प्रसे तीन काल के मुनि बरा बंदो लोके प्रसे जिस करनी से हम बने अरहंत सिद्ध भगवान जिस करनी से अरहंत सिद्ध भगवान वैसी करनी तुम करो हम तुम एक समान वैसी करनी तुम करो हम तुम एक समान। सिद्ध भगवान 6 महीने 8 समय में हुए। बड़े न सीते अनंता घटे न राशि निगो जैसी की तैसी रहे यह जिन बचन प्रमो। इतना बड़ा व्यापक विश्व है कि अपन सब उचट के आ कैसे, ये समझने आप संसारी जीवों की राशि घटने वाली नहीं है और सिद्ध भगवान की बढ़ने वाले नहीं है, परंतु जो उचट के आ गए इनकी महा होना। एक निगुण शरीर में एक जीव प्रमाण तीन काल के सिद्ध सम एक अंश परिमा।
ताते जिनी को बंदना हमारी बारंबार जिनने आपा पाई तीन भुवन में सा चौबीसी तीनों नमो तीस चौबीसी मंदर आदि के नमो नमन करूं जिनवी तीन काल के जिन बरा तीन काल के से तीन काल के मुनि बरा बंदो लोक प्रसि इस बात में किसने बताई अंतिम वंदना है जिन वाणी रस अमृता जा सम सुधा न हो बोलो जिन वाणी रस अमृता जा सम सुधा न हो बंधु श्री महामीर के पाऊं निश्चल ठो बंधु श्री महामीर को पाऊं बोले शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की भगवान के भोग कल्याणक महोत्सव की